ऐसे ही मेरा निवेदन है कि ये फालतू विदेशी शेविंग क्रीम क्यों लगाते हैं, पामोले ओल्ड स्पाइस रेस्मे। आप कहते हैं जी दाढ़ी बनानी है, दाढ़ी बनाने के तो 20 तरीके हैं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। हम शेविंग क्रीम लगा के दाढ़ी बनाते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी स्किन लगातार हार्ड होती जाती है, रफ होती जाती है, और रफनेस एक समय इतनी बढ़ जाती है कि दो बार तीन बार शेव करो तो भी क्लीनिंग नहीं आती, क्योंकि वो शेविंग क्रीम ऐसी है, उसमें केमिकल ऐसे हैं। क्यों लगा रहे हैं, बंद कर दो। फिर आप बोलोगे दाढ़ी कैसे बनाए, दूध से बनाओ, थोड़ा दूध ले लो, चेहरे पे मालिश करो, एकदम चिकनाहट आ जाएगी, फिर रेजर चलाओ, बहुत क्लीन शेप बनती है। दही ले लो, दही दही को लगाओ, फिर रेजर चलाओ, और भी अच्छी शेप बनती है। तेल ले लो, तेल एक बूंद तेल पानी में मिला के चेहरे पे लगाओ, फिर रेजर चलाओ, डीप कट होता है, बहुत क्लीन शेप होती है। दूध से दाढ़ी बनाए ना, बहुत मजा आएगा। क्यों, दूध जो है ना क्लींजिंग एजेंट है। आपको मालूम है सारे ब्यूटी पार्लर्स में मिल्क क्लींजिंग ही किया जाता है। आप रोज दूध से दाढ़ी बनाएंगे, सारी गंदगी निकल जाएगी, चेहरा चमकेगा, स्मार्ट हो जाओगे आप सब फोकट में। कल से ही शुरू करो। मैं तो बहुत समय से करता हूं, दूध से दाढ़ी बनाता हूं, आप भी करो। पैसे आपके बचेंगे, अल्टीमेटली देश के बचेंगे। देखिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आमदनी बढ़ानी है तो खर्चे को घटाना सबसे आसान तरीका है। आप जितना खर्चा घटाएंगे आमदनी उतनी ही बढ़ जाएगी देश की।